बादाम वाला। चले भाई सर ये बादाम वाला ये कितने पाउंड का है? हैप्पी बर्थडे मसूद राणा साहब, केक आप खाएंगे। हाँ और चाचा रशीद साहब जो है ये मसूद राणा साहब को मिल चुके हैं। अच्छा और ये सब पाकिस्तान बनने से पहले के, आप तो बता रहे हैं 1865 का ये। मोहतरम व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आई बिलीव कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपने हमारे YouTube चैनल को ज्वाइन किया। मोहतरम नाजरीन, आज मैं आपको एक ऐसे इलाके में लेके जा रहा हूँ, मसूद राणा साहब अगर घर से बाहर कहीं वक्त बिताया करते थे तो वो ये इलाका है। अच्छा सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, मसूद राणा साहब जो थे वो खरी क्वार्टर में रहते थे किसी बिल्डिंग के, वो कोई बैठक टाइप की चीज थी उसके अंदर रहते थे? हो सकता है। अच्छा लेकिन फैमिली वही थी जहाँ, वो तो लालपाड़ा में थी। सही है, यहाँ पर उसकी एक मोहब्बत बहुत थी। अच्छा मसूद राणा साहब की बड़े ग्रेट टाइप के आदमी थे। सही, और यहाँ उनका उतना बहना हमारे पास, आपके पास भी होता था? हमारे पास भी। अच्छा अच्छा, एक संडो भाई होते थे हमारे। अच्छा जिनके साथ उनकी बहुत मोहब्बत थी। सही, एक इद्रिस भाई था उनसे भी बहुत मोहब्बत करते। अब्दुल्ला मोची कौन था? अब्दुल्ला मोची भी मोची था खाली वो। अच्छा मैंने उसको अकेले को पाया। अच्छा मैंने उसने मसूद राणा के साथ बड़ा, वो भी उठता बैठता था? उठता बैठता था सारे उस टाइम, मोहब्बत बहुत थी लोगों में ना। अच्छा एक दूसरे बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत ज्यादा मोहब्बत बहुत करते थे और अच्छे लोग थे। सही सही सही, और इतनी मोहब्बत होती थी अगर एक दफा नहीं मिलते ना एक दिन में तो लोग ढूंढा कर रहे, मसूद राणा नहीं आया, अब सेंडो भाई नहीं आया, आचार्य इद्रिस नहीं आया, अब्दुल्ला मोची मस्ती करता हुआ कहाँ भाग गया। अच्छा के वो फिर सारे इकट्ठे हो यार। अच्छा ये जो जैदी फैमिली है, ताहिर जैदी साहब, उनके एक बेटे मेरे ख्याल जज हैं, वो सेशन कोर्ट में नवाबशाह में, तो वो भी यही रहते थे कहीं? वो उनकी जो ऑफिस है ना जी यहाँ पर थी। अच्छा अब वो जगह में उस्मान साहब की है, उस्मान वकील। सही, ये भी बहुत जूनियर और बड़े पुराने हैं। और ये जैदी साहब जो है ये उनके बेटे सर। अच्छा, अच्छा बेटे की तो क्या बात करूँ, माशाल्लाह मोहब्बत वाले जज बन गए, लेकिन उन्हें जो मोहब्बत है ना वो जज से हटकर उनके अंदर उन्नस बहुत बड़ा प्यार था, समझो मिल खास वालों के लिए जान देने के लिए तैयार। सही सही, आप यानी कि इस इलाके की पुराना सब कुछ, वो जो 1965 में आप बता रहे थे कि यहाँ पर स्टेशन पर मुसाफिर खाने के पास, बिल्कुल यहाँ पर मैच लगी थी वो, और जो माले गनीमत लाए थे जी, हाँ इंडिया का जो सामान था ना उसमें आर्मी ने एक मैच लगाई। सही, और आर्मी के मैच लगने से या वो लोगों ने उसमें दिलचस्पी ली और फौजियों से बड़ा वाला ना उनका मोहब्बत का इजहार किया, इजहार बहुत ज्यादा किया। सही, सही, आर्मी के आगे यहाँ की आवाम ने उनसे बहुत ज्यादा प्यार किया, फिर सामान बहुत पड़ा रहा। सही, लेकिन ईमानदारी लोग से सारी, उस जमाने में अगर एक फकीर भी था ना तो वो भी बेईमान नहीं था। आज 9 जून है जी, आज मसूद राणा साहब की सालगिरह है जी। 1938 को ये पैदा हुए थे उसी घर के सही, अंदर सही, सही। बाकी रहे वो यहाँ भी बहुत रहते थे, हम लोगों के पास ही रहते थे। चलें चलें चलें, 5 भाई थे, 6 भाई बड़े मोहब्बत वाले। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा। पहलवान होटल के नीचे ही आपकी दुकान है, पहलवान होटल वाले भी अच्छे लोग थे, जैदी फैमिली। मैं कहता हूँ हाजी गुलाम अहमद, उनके बेटे 3 थे। अच्छा क्या क्या नाम थे? सर मोहम्मद सरदार, हाँ मामा गुलजार, सही मामा अकबर। सही, और इतने पहलवान तकड़े थे, इतने हसीन थे कि मैं उनके बारे में क्या। अब कहाँ है बोलो? अब वो कहो मिट्टी में थे। अरे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, हाजी गुलाम अहमद। सही, और जब वो पहलवान 100 साल की उम्र में थे ना, अभी भी मेरे पास तिजोरी पड़ी थी, अभी उठा के लेगा तो मुझे पता नहीं। अच्छा 7.5 मन की तिजोरी को उन्होंने ऐसे बाद में भर के खड़ी, और उसके बाद हम 3 आदमी उठाने वाले, आपसे नहीं उठी, मामा अकबर। अच्छा, एक उनके बेटे जावेद भट्ट साहब। अच्छा, जो भी कराची के अंदर उसमें भाई शिप के ऊपर। अच्छा, भाई ग्रेड के पीछे। सही सही, अभी तैयार हुए हम 3 उठा रहे हैं जमीन से ना, हमसे उठी नहीं, उठी नहीं, लेकिन अकेले ने जमीन से उठा के ना 99 साल की उम्र में से उठा के रखे। क्या बात है, हमने समझा अपनी आंखों से। चले चले, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आइए हम ले लेते हैं, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कभी वो उस पे आएगा तो मुझे बताना, मैं भी देखूंगा, आपको भी दिखाएंगे, ठीक है, दिखाना इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जरूर, बहुत शुक्रिया। तो ये थे हाजी रशीद साहब, शीदा मछली वाले के नाम से मशहूर है। मसूद राणा साहब की यहाँ से भी यादें वाबस्ता है मेरे इल्म में नहीं, मुझे खुर्शीद साहब ने इस्लामाबाद से फोन किया, उन्होंने बेतहाशा पुरानी मोहब्बत और खुलूस वाली यादें मेरे साथ शेयर की। उन्होंने जिक्र किया स्टेशन रोड, स्टेशन चौक, और साथ में मुसाफिर खाना है, पुराने वाला मुसाफिर खाना,
जहाँ पर दो परों वाले पंखे लगे हुए, उन्होंने उनका जिक्र किया। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि हमारे जमाने में मीरपुर खास का स्टेशन का प्लेटफॉर्म पूरे पाकिस्तान बल्कि एशिया में शायद सबसे बड़ा था। उन्होंने जिक्र किया कि मसूद राणा साहब यहाँ मौजूद होते थे, और अब्दुल्ला मोची साहब का जिक्र किया जो बड़े शरारती तबाह वाक़ा हुआ करते थे। मस्जिद का जिक्र आया तो मैं आपको उस जगह पर लेके जाना चाहता हूँ जहाँ 1962 के करीब जब उन्होंने गाना शुरू किया। इनफैक्ट जब वो लाहौर नहीं गए थे, जब उन्होंने पहली फिल्म इनकलाब के लिए गाना नहीं गाया था तो वो यहीं रहते थे। आए मेरे साथ। ये उस्मानिया होटल है, कभी यहाँ बहुत रौनक हुआ करती थी। मीरपुर खास के कदीम होटल्स, मुसाफिर खाने जो रिहाइश के लिए इस्तेमाल होते थे, अब पहले वाली रौनकें नहीं रही। ये इलाका है खरी क्वार्टर का। इस इलाके से बहुत खूबसूरत यादें वाबस्ता हैं मसूद राणा साहब की। उनके बहुत से दोस्त इसके इर्द गिर्द ही रहा करते थे। मेरे साथ अख्तर साहब हैं। पाकिस्तान बनने के फौरन बाद मीरपुर खास से सिंध असेंबली की नशस्त पर जीतने वाले इशफाक सिद्दीकी साहब के रिलेटिव, वो मुझे खरी क्वार्टर का विजिट करवा रहे हैं। आ जाए। ये कदीम इलाका है मीरपुर खास का। सही 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 सही। अच्छा, अब बहुत सारी बेतहाशा बिल्डिंगें नई भी बन गई हैं इसमें, लेकिन पुरानी बिल्डिंगें अब भी मौजूद हैं। ठीक ठीक ठीक। ये पुराना तर्ज तामीर है। सही, ये बहुत पुराना तर्ज तामीर है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अब जैसे ये गार्डर लगे हैं, हमारे एक मेहरबान, एक मुझे मैसेज आया 4-5 दिन पहले, मैंने मसूद राणा साहब का वो घर जब रिकॉर्ड किया तो वो पाकिस्तान बनने से पहले का घर बना हुआ, उसमें टी आयरन और गार्डर का काम था। तो उस बंदे ने कहा कि नहीं यार, पाकिस्तान बनने से पहले टी आयरन और गार्डर होते ही नहीं थे। मुझे इस पर एतराज़ है क्योंकि मैंने तो बहुत सारी बिल्डिंगें देखी हैं जिनमें बड़ा चौड़ा गार्डर लगा हुआ है। अच्छा, और ये सब पाकिस्तान बनने से पहले के? आप तो बता रहे हैं 1865 का ये। हाँ, दिखाए मुझे जी। अच्छा, इस खपरेल के ऊपर इधर से देखोगे आप, नजर आ, इधर से मुझे नजर नहीं आ, देखेंगे आप नजर आ जाएगा। अच्छा, अभी खत्म हो गई, समझ लो बिल्कुल गल गई। 1865 का, मुझे आपकी बात पे यकीन है। ये गार्डर टियर गार्डर है, ये 1865 के हैं। ये मोटी वो गार्डर है, वो जैसे वो होते हैं ट्रेन की पटरी, इस तरह के गार्डर है। नहीं है तो नहीं वो, नहीं, लेकिन मोटे हैं, नॉर्मल से मोटे हैं और शेप वही है। बेल्जियम, बेल्जियम ओरिजिनल बेल्जियम। यूं तो कयाम पाकिस्तान से कबल तामीर शुदा इस इमारत की अपनी तारीखी हैसियत है, लेकिन आज मैं यहाँ खुसूसी तौर पर इसलिए आया हूँ कि बकौल खुर्शीद साहब के, मसूद राणा साहब अक्सर यहाँ पाए जाते थे। अब्दुल्ला मोची का जिक्र आया था, उनके साथ उनकी दोस्ती थी, और भी यहाँ उनके बहुत से दोस्त थे। इसी इमारत की अभी जिनमें शटर लगे हुए हैं, यहीं एक बैठक नुमा दुकान कोई जगह होती थी जहाँ उनकी अक्सर नशस्त रहती थी। उस्मानिया होटल के साथ वाली गली जहाँ जामिया मस्जिद का एक दरवाज़ा भी खुलता है, शबराती चचा एक होटल चलाया करते थे जहाँ अब उनके बेटे चाय बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप हैं शबराती चचा के लड़के? ये पहले होटल वो वाली होती थी? होटल शुरू से ही होती, यही होटल थी, मशहूर होटल है ये। कोई अंदाज कितने कितने साल पहले थी ये? 60 साल हुआ। पाकिस्तान बनने के फौरन बाद? ठीक है, बहुत शुक्रिया। 1939 की बिल्डिंग, कितने पुरानी है बताओ? किसकी किसकी? चंदन दास, चंदन दास थे कोई, ये मूलचंद। हाँ, खरी क्वार्टर मीरपुर खास के कदीम इलाकों में शुमार होता है। मसूद राणा साहब लाहौर जाने से पहले और बाद में भी कुछ अरसे तक जब मीरपुर खास आया करते थे तो यहाँ जरूर तशरीफ लाया करते थे। फारूक साहब हमारे साथ हैं, मसूद राणा साहब के भतीजे, उनसे भी आपको मिलवाएंगे। फारूक साहब केक लेने आए MD पर, आ जाए, आ जाए फारूक, ले लो। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं। आप इनमें से देखे हैं? भाई जो आपने केक लेना आप पसंद करें, विदाउट क्रीम का ये क्रीम वाला
वो है फुल क्रीम वाला। अच्छा नहीं, बिना क्रीम वाला ले, बिना क्रीम वाला लेते हैं ना, फिर इनमें से लेते हैं, ये ज्यादा अच्छा होगा जो खाने में अच्छा है। ये ड्राई फ्रूट वाला, ये वो है ना, काजू, काजू वाला ये ले ले, ये काजू वाला, वो बादाम वाला, बादाम वाला ले, काजू वाला, बादाम वाला ले, बादाम वाला। चले भाई सर, ये बादाम वाला ये कितने पाउंड का है? ये एक निकाल लें। पिचासीवीं सालगिरह है मसूद राणा साहब। सर मेरे को खास और बहुत सारी शख्सियात हैं, और मसूद राणा साहब के मैं कुछ फैन बता दूं आपको। एक तो अभी सर चांद साहब की जो बेटी है हमारी बहन, उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि राणा राशिद साहब ये भी भतीजे हैं, सात भतीजे यहाँ रहते हैं मेरे को खास में उनके। राणा नादिर साहब से आपको मिलवाएंगे, तो वो सर चांद साहब के घर जाते रहे हैं, वहाँ पढ़ते रहे, ठीक है, स्टूडेंट थे उनके। फिर मोहम्मद रियाज साहब वहाँ कैंट में होते हैं, वो मसूद राणा साहब के बहुत बड़े फैन हैं, उन्होंने फिर एक और मोहम्मद रियाज साहब है जो कि सऊदी अरब में मुकीम, वो गाते भी हैं मसूद राणा साहब को। उन्होंने कुछ गाने भी मुझे भेजे अपनी आवाज में जो उन्होंने मसूद राणा साहब के लिए गाए, और कुछ गाने उन्होंने अपनी शायरी अपनी कंपोजिशन में मुझे भेजे, हो सकता है वो कभी आपको सुना दें। बहरहाल केक हमारा रेडी है, उस पर नाम लिखा जा रहा है, और लेकर ये जाना है उस जगह पर जहाँ मसूद राणा साहब बैठा करते थे अपने दोस्तों के साथ। मसूद राणा साहब पाकिस्तान के एक लेजेंडरी सिंगर, बेतहाशा उनके गाए गए, ये चंद उन सिंगर्स में से एक हैं जिन्होंने दो जुबानों में गाने गाए और दोनों जुबानों में बेतहाशा मकबूल हैं। गाने तो सर उनके बहुत सारे, और मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, तुम ही हो महबूब मेरे, सर आईना फिल्म का गाना बेइंतहा मकबूल हुआ, जुबान ज़द-ए-आम हुआ। आज बड़े बड़े होटलों में आपने सालगिरह फाइव स्टार में, सर आज मैं उस जगह मौजूद हूँ जहाँ मसूद राणा साहब का उठना बैठना था, उनके दोस्त थे, घर आप उनका देख चुके हैं, और आज की वीडियो में खास चीज ये है कि उनके एक भतीजे नादिर साहब। राणा नादिर साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? शुक्र अल्लाह का। सर कुछ शेयर करें यादें उनकी, मसूद राणा साहब की। बहुत ही अच्छे इंसान थे, अपने माँ बाप के लिए, बहन भाइयों के लिए, और पाकिस्तान के अवाम के लिए उन्होंने पाकिस्तान की बहुत खिदमत की है। खास तौर पर फौज के लिए उन्होंने बहुत नगमे तराने गाए। जब जंग लगती थी तो मैडम नूर जहां और राणा मसूद के ही वहां पर प्रोग्राम चलते थे, तराने उनके, खास तौर पे वो जाग उठाए सारा वतन, सारा मुजाहिदो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। सही सही। तो और ये मीरपुर खास उनका शहर है, और मीरपुर खास में वो बड़े हुए, या मैट्रिक किया है, उसके बाद फिर वो लाहौर चले गए, फिर वहां से उन्होंने जो है अपना जिंदगी का जो आगाज बाकी जो है वो शुरू किया। तो आज सालगिरह का केक नॉर्मली जो शख्स होता है वो खुद काटता है। मसूद राणा साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे, हमसे बिछड़ गए, अगर वो होते तो करीबन 85 साल के होते। आज केक जो है उनकी तरफ से राणा नादिर साहब कट करेंगे। राणा साहब, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मसूद राणा साहब, हैप्पी बर्थडे मसूद राणा साहब। सर ये केक, सर ये केक, सर केक आपको खिलाएंगे, सबसे पहले केक आप खाएंगे। हाँ, और चाचा रशीद साहब जो है ये मसूद राणा साहब को मिल चुके हैं उस वक्त जब ये बहुत छोटे होते थे, ऐसे ही है आपकी मुलाकात उनसे, आप बच्चे होते थे, छोटे होते थे। हाँ, एक फिल्म में गाना था ढांची का, टांगे वाला ख्याल मांगता, बड़ा मकबूल हुआ, वो यहाँ बैठ के सुनाते थे हमारे को, ये तख्ते को बजा के ना, और इतनी आवाज निकालते थे वो, लेकिन सहा नहीं थी। टांगे वाला ख्याल मांगता, टांगे वाला टांगे था। आप गा सकते हैं थोड़ा सा? मैं मेरे मम्मी आ गया, मुझे छोड़ कर अकेला कहीं दूर जाने वाले, ना बुला सूंगा तुझे, मुझे याद आने वाले, ये हमराए के गाने थे, और ऐसे बहुत अच्छा गाना उसमें चला, आर्मी के साथ तो गाने थे, जंग लगी थी पैंसठ की, उनको उन्होंने उसमें गाए थे गाने।
मुझे छोड़ कर अकेला कहीं दूर जाने का, तो ये गाना उनका बहुत मकबूल हुआ। तो माशाल्लाह अच्छा गाना था और वो गाने के बोल हम भी कभी कभी सुनाते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और रशीद भाई जो हैं शीदा मछली वाले के नाम से मशहूर हैं, ये मछली खिलाते हैं लोगों को, आज हमने इन्हें केक खिलाया, ठीक है, केक खाते हैं फिर मछली भी खाएंगे और मछली अच्छी बनाते हैं। और मेरा ख्याल है मीरपुर खास के पुराने जितने भी लोग रहने वाले हैं वो इससे अच्छी मच्छी कहीं भी, हाँ जी, रशीद साहब को जानते हैं और इससे अच्छी मछली भी नहीं है, राणा नादिर साहब तो यही कह रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया राणा साहब, बहुत शुक्रिया आप यहाँ शरीक हुए। और मौजूद नाजरीन हमारे व्यूवर्स आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इस तरह की मसूद राणा साहब की सालगिरह आपने इससे पहले यकीनन नहीं देखी। सर हमारी मोहब्बत थी, हमारा खलूस था, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है, हम चंद लोग हैं सर, बस हम भी बहुत छोटे होते थे, मामू के टेप रिकॉर्ड पर वो गाने सुनते थे और एक उनका गाना वो बड़ा मकबूल हुआ, वो मकबूल हुआ था, वो कौन सा गाना था, हाँ, तेरी याद आ गई गम खुशी में ढल गए एक चिराग क्या जला सौ चिराग जल गए। तो भाई हम इतना अच्छा गा तो नहीं सकते, सच्ची बात यह है, मसूद राणा साहब तो जिन्हें लेजेंड और पाकिस्तानी रफी कहा जाता था, सर हम तो उशरे अशीर भी नहीं है, उनके कदमों की खाक भी नहीं है। एक और शख्स होते थे शबीर भाई मिठाई वाले, अच्छा शबीर भाई मिठाई वाले दोस्त, बहुत क्लोज दोस्त थे। अच्छा ये उनके दोस्त थे मसूद राणा साहब? जी हां जी, मैं बिल्कुल, एक शबीर भाई हमारे मूल के थे मिठाई वाले शबीर भाई, उनकी आवाज और मसूद राणा की आवाज, और जलीस भाई होते थे एक, अभी वो वकील है जलीस भाई, जलीस भाई इतना उनकी आवाज में सुरूर था कि मैं क्या बोला कि राज शबीर भाई दुनिया से रुखसत हो गए, राणा की तरह वो चले गए दुनिया से, लेकिन उनकी आवाज में इतनी मिठास थी कि मैं आप यकीन करो जब मीरपुर खास में मिठाई की दुकान बंद करके जाया करते थे तो उनको मैं रोक लिया करता कि शबीर भाई मुझे गाना सुनाएंगे आप, तो मेरे से इतनी मोहब्बत करते थे कि मैं उसको बयान नहीं कर सकता। मैं ये दुआ करता था अल्लाह करे मेरी उम्र भी उनको लग जाए, मगर मेरी उम्र को लगी नहीं और वो दुनिया से चले गए। मुझे बहुत तकलीफ है इस बार की कि मैं उनकी जगह मैं क्यों नहीं मर गया होता, ये मेरा ये लफ्ज बहुत ज़्यादा दुनिया में पहुँचेगा तो मैं बहुत मसरूर रहूँगा इस बात से कि मेरी आवाज़ कहाँ तक गई। बड़ी मेहरबानी, बड़ा शुक्रिया। तो फारूक भाई ये केक हम भी खाएं और जो यहाँ इर्द गिर्द लोग हैं इन्हें भी खिलाएं, ठीक है। तो ऑल व्यूअर्स आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जितने हमारे मेहरबान और ख़ास तौर पर जो मसूद राणा साहब के फैंस हैं, सर आपके लिए तशक्कुर के जज्बात। ये है मसूद राणा साहब का शहर मीरपुर खास, किसी ने कहा था ना कि यार मीरपुर खास के आम किस वजह से मीठे हैं, सर मसूद राणा साहब की आवाज़ की वजह से मीठे हैं। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।